आइए मेरे दोस्तों, मैं आप सबके बीच जनाब हाफिज दिलशाद साहब मधुबनी तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। कितने हजरात हैं जो सुनना चाहते हैं, एक बार हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, जरा और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर आप हजरात तक पहुंचाता हूं, उसके बाद जनाब हाफिज दिलशाद साहब तक पहुंचूंगा। थोड़ा रिपीट कम कर दीजिए, कम कीजिए, थोड़ा रिपीट शेर सुनिए कि हर जगह जिक्रे शहे अबरार होना चाहिए, बोलिए सुभान अल्लाह। हर जगह जिक्रे शहे अबरार होना चाहिए, अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए, बोलिए लहक सुभान अल्लाह। हर जगह जिक्रे शहे अबरार होना चाहिए, अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। चाहिए जन्नत तो बात सुन लो मेरी ऐ नौजवान, अरे चाहिए जन्नत तो बात सुन लो मेरी ऐ नौजवान, अरे माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। चाहिए जन्नत तो बात सुन लो मेरी ऐ नौजवान, अरे माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। हर जगह जिक्रे शहे अबरार होना चाहिए, मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए, और चाहिए जन्नत तो बात सुन लो मेरी ऐ नौजवान, चाहिए जन्नत तो बात सुन लो मेरी ऐ नौजवान, अरे सामने सरकार का दरबार होना चाहिए। चाहिए जन्नत तो बात सुन लो मेरी ऐ नौजवान, अरे सामने सरकार का दरबार होना चाहिए। फतहो नुसरत दौड़ कर चूम लेगी मेरे कदम, फतहो नुसरत दौड़ कर चूम लेगी मेरे कदम, फतहो नुसरत दौड़ कर चूम लेगी मेरे कदम, अरे हजरते फारूक सा किरदार होना चाहिए। फतहो नुसरत दौड़ कर चूम लेगी मेरे कदम, हजरते फारूक सा किरदार होना चाहिए। हर जगह जिक्रे शहे अबरार होना चाहिए, मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। आइए मेरे दोस्तों, मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ शायर इस्लाम जनाब हाफिज दिलशाद साहब से मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामाइन को नवाजे। इस शेर के साथ आपका इस्तकबाल कि लबों को खोल दो गुलों की शगुफ्तगी के लिए, लबों को खोल दो गुलों की शगुफ्तगी के लिए, तरस रहा है जमाना बस एक हंसी के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए दोस्तों, सुबह सुना से पहले दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व आला मुहम्मद इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आला इन्नका हमीदुल मजीद। डेस्ट उलमाए इकराम व शरा इजाम, आइए मैं चले शार पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए इरशाद इरशाद कि आ गए हैं मचल के बोलते सुभान अल्लाह। आ गए, अगर शेर अच्छा लगे तो दुआ उसने नमाजे वैसे ही इसको कि आ गए हैं, कि आ गए हैं, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे, कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे, देखिए मैंने क्या लिख दिया। कि आ गए जुर्म दे, देखिए मैंने क्या लिख दिया है, कि आ गए हैं, आ गए हैं, कि आ गए हैं फरिश्तों के जुर्म दे, देखिए
लिए मैंने क्या लिख दिया है, देख लिए मैंने क्या लिख दिया है कि आ गए हाथ कागज कलम चूमते हैं, हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले आला लिख दिया है, हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले आला लिख दिया है, आ गए देखिए मैंने क्या लिख दिया है। आप लोग सुभानअल्लाह बोलने में बहुत कंजूसी करते हैं, आप लोग बोलते बचन के सुभानअल्लाह कि है सरापा उजाला हमारा नबी, बचन के बोले सुभानअल्लाह कि है सरापा उजाला हमारा नबी रहमते हक ताला हमारा नबी, के है जरा पा उजाला हमारा नबी रहमते हक ताला हमारा नबी, जिनका गाने में कोई जानी नहीं, जिनका गाने में कोई जानी नहीं है, कसों का सहारा हमारा नबी, अरे बस आ गए देखिए भाई फारिक मुज़क्किर कमाल साहब एक शायर दूसरे शायर को नवाज रहे हैं माशाल्लाह, कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे, देखिए मैंने क्या लिख दिया है, नबी को क्या क्या लिखा शेर बोला जफर वाले इनायत हिशा के उनको शमशो जोहा लिख दिया है, बेशक और बदरो दो जहा लिख दिया है, के उनको शमशो जोहा लिख दिया है, और बदरो दो जहा लिख दिया है, के उनको शमशो जोहा लिख दिया है, और बदरो दो जा लिख दिया है, और बदरो दो जा लिख दिया है, मरतबा मरतबा जा पिपोचा किसी ने मरतबा जा पिपोचा किसी ने, उनको बात खोता लिख दिया है, किसी न किसी ने मरतबा जा पे पहुंचा किसी ने, उनको बात खोता लिख दिया है, कि दिल की राहत है आंखों की ठंडक है वो सब की शख्स को तारा हमारा नबी, दिल की राहत है आंखों की ठंडक है वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, अब नबी ना कयामत तलक आए शे, अब कयामत तलक है हमारा नबी, अब नबी ना कयामत तलक आएंगे, अब कयामत तलक है हमारा नबी, आप कौसे पिएंगे तस्म इसलिए, आप कौसे इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम नारे तकबीर, माशाल्लाह आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुटे, देखिए
चौम